आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। यस सर, गुड मॉर्निंग। चलो, क्या पढ़ेंगे आज? लास्ट क्लास नया में सर मोमेंटम कंजर्वेशन कराया था ना। पढ़ा था। ठीक है, चलो तो आज हम लोग इंपल्स पढ़ेंगे। नाम सुना है इंपल्स का? क्या सर? इंपल्स का नाम सुना है? इंपल्स। इंपल्स? हाँ सर। क्या होता है? बताओ। सर 4 से 2 टाइम होता है ना? क्या बोल रहे हो? 4 से 2 टाइम होता है ना? 4 into time होता है। और चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम भी होता है। ठीक है, सही है। चलो, न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोगों को मालूम है फोर्सेस रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये मालूम है। हाँ तो यहां से हम लिख सकते हैं एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी। तो ये जो टर्म है इसी को इंपल्स कहते हैं। कॉमन सेंस है, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना? कोई दिक्कत किसी को? बोलो। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। तो जैसे मान लो हम लोग फुटबॉल को किक मारते हैं, तो उसमें क्या है कि हम लोग फुटबॉल को कोई फोर्स नहीं देते हैं, क्योंकि तो हमारे पैर और फुटबॉल के बीच बहुत थोड़ी देर का कांटेक्ट होता है। तो सिर्फ उतने टाइम के लिए फोर्स देते हैं और उस फुटबॉल को वेलोसिटी मिल जाता है, मतलब मोमेंटम मिल जाता है। ये पढ़ते क्यों स्कूल में? एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आता था क्लास 9th 10th में कि जब भी कभी कोई क्रिकेट में फील्डर कैच लेता है तो हाथ को पीछे पुल करता है, ऐसा कुछ। हाँ सर। यस तो क्या रीजन लिखते थे उसका? सर, टाइम बढ़ मोमेंटम कम जाता है, करने के टाइम लिए। बढ़ जाता है तो फोर्स कम लगता है। बॉल को फाइनली रुकना है तो चेंज इन मोमेंटम तो उतना ही है। अब इस चेंजिंग मोमेंटम में अगर हम इस डीटी को इंक्रीज कर दें तो ये फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लो बॉल 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है और मैंने कैच किया, तो फाइनली बॉल का मोमेंटम 0 ही होना है। तो चेंज इन मोमेंटम वही है। अब वो करने का 2 तरीका है, जहां पर आया मैंने वहीं पर कैच कर लिया, और दूसरा है कि मैंने वहां पर कैच किया और हाथ पीछे पुल कर रहे हैं। तो हाथ और बॉल के साथ कांटेक्ट का टाइम बढ़ गया जितनी देर में मोमेंटम चेंज मोमेंटम फाइनल 0 होता है। तो सेम चेंज इन मोमेंटम को लाने के लिए अगर हम कांटेक्ट टाइम को थोड़ा बढ़ा दें तो अप्लाइड फोर्स कम हो जाएगा, है ना?
तो मुझे बॉल पर कम फोर्स लगाना पड़ेगा, तो बॉल भी हम मुझ पे थोड़ा कम फोर्स लगाएगा तो मुझे कम चोट लगेगी। समझ आया? यस सर। तो यहां से तीन बातें समझ में आई। पहला, तो इंपल्स जे इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन, और दूसरा, इंपल्स जे इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स जे इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम जो कॉमन सेंस है, इसी को कहते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तीसरी चीज, ये जो इंपल्स है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी लिख सकते हैं, टाइम इंटरवल टी वन से टी टू तक, है ना? यस सर। तो यहां से एक और हम कह सकते हैं, अगर कभी फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है मेरे पास, तो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व बिटवीन टू टाइम लिमिट, ये इंपल्स के बराबर होगा। है ना? हाँ। ये एरिया होगा, ये इंपल्स के बराबर होगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। यहाँ तक कॉपी कर लो। हो गया सर? दो मिनट।
हो गया? यस सर। जस्ट एक इंपल्स कैलकुलेट करने का क्वेश्चन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी 2 सेकंड का क्वेश्चन है। आया आंसर? बोलो, आया आंसर? जीरो पॉइंट सेवन है क्या सर? देखो, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो मास इनटू वेलोसिटी, तो डी बाय डीटी ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, सब जीरो से स्टार्ट किया और सबको वी वेलोसिटी मिला, तो ये हो जाएगा वी इनटू डीएम बाय डीटी। तो वी 50 ग्राम का बुलेट है और 20 बुलेट 4 सेकंड में निकलता है, तो ये कितना हो जाएगा? 50 × 10⁻³, 1 बुलेट का मास इंटू 20 बुलेट का मास डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड, ऐसा। वी कितना है? 1 किलोमीटर पर सेकेंड, तो 1 किलोमीटर पर सेकेंड मतलब 10⁻³ इंटू 50 × 10⁻³ इंटू 20 डिवाइडेड बाई 4।
डिवाइडेड बाय 4, तो ये और ये गया 4 5 20, 250 न्यूटन होगा। और सर किलोमीटर पर आर देखा मैंने, इसलिए आया समझ में, आया समझ में। आया समझ में, आगे बढ़ूं? यस सर। सर अगर वेट कांस्टेंट है तो वी डीएम डीटी जीरो नहीं होगा? वेट कांस्टेंट नहीं है, मास मास कांस्टेंट कहाँ है इसमें? 50 अरे सुन ना। अच्छा फायर होगा तो गन का समझा सर। 4 सेकंड में 20 बुलेट के बराबर मास, एक बुलेट का मास 50 ग्राम है, तो इतने मास में चेंजिंग मोमेंटम हो रहा है, या मैं बोलूं तो बुलेट, समझ गया ना? क्या क्या बताने वाला था, भूल गया। इम्पल्सिव फोर्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको फुटबॉल को किक करना, तो हम लोग पैर से फुटबॉल में फोर्स लगाए थोड़े देर के लिए, है ना, तो फुटबॉल और फुटबॉल में थोड़े देर में ही अच्छा खासा चेंज इन मोमेंटम आ गया। तो ये जो हमने फोर्स लगाया पैर से फुटबॉल में, वो है इम्पल्सिव फोर्स। तो अभी तक आप जो भी फोर्स पढ़ रहे थे लॉज ऑफ मोशन में, कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है कि कौन इम्पल्सिव फोर्स होता है और कौन नॉन इम्पल्सिव फोर्स होता है, लेकिन हाँ इम्पल्सिव फोर्स वो होता है जो छोटे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगे और साथ ही साथ एक सिग्निफिकेंट चेंज इन मोमेंटम ऑब्जेक्ट में लाए, तो उसको हम लोग इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। मोस्टली इम्पल्सिव फोर्स थोड़ा हायर मैग्नीट्यूड का होता है, तो इम्पल्सिव फोर्स का एक डेफिनेशन काइंड ऑफ लिख लो, कौन को पास लिखेगा मैं। उसको देखता हूँ इम्पल्सिव फोर्स का कहीं डेफिनेशन नंबर पे ले जाने, तो मुझे लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा ये ट्रिकी पोर्शन है, जरा ध्यान नहीं दोगे न्यूमेरिकल, ये सब थ्योरी हुई तो बहुत सिंपल है, मैंने जैसे ऐसे लिख दिया, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा तो समझ आएगा। ये इम्पल्सिव फोर्स का डेफिनेशन रहा, इसको कॉपी कर लो, और इम्पल्सिव फोर्स से रिलेटेड ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, तो समझाता हूँ और न्यूमेरिकल के थ्रू इसको समझाता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ इसको कॉपी कर लिए जल्दी से। जैसा मैंने कहा था इम्पल्सिव फोर्स रिलेटिवली हायर मैग्नीट्यूड और छोटे टाइम के लिए लगता है, बट एक सिग्निफिकेंट चेंज इन मोमेंटम लाएगा, मतलब फाइनाइट लिखा है उसी को, सिग्निफिकेंट चेंज इन मोमेंटम लाएगा, तो इसको हम लोग इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स आर ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव, जरा ध्यान से समझो सब लोग। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब एमजी है, वो तो हमेशा लगता रहता है ना, समझ रहे हो? अर्थ का अट्रैक्शन तुम्हारे ऊपर तो हमेशा लगता रहता है। यस सर। हाँ सर।
शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए नहीं लगा ना, तो ये हमेशा नॉन इम्पल्सिव नेचर का होगा। ठीक वैसे ही स्प्रिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है तो जब तक कनेक्टेड है तब तक स्प्रिंग फोर्स लगता रहेगा, इसका टाइम से कोई नज़र नहीं है, तो ये भी नॉन इम्पल्सिव नेचर का है। नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन ये सब जो फोर्स पड़े हो ये इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के सिनेरियो पर। तो ये अभी हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से दो करके दिखाऊंगा तो समझोगे, ये इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव दोनों हो सकता है। तीसरा पॉइंट, इम्पल्सिव फोर्स को हमेशा कोई दूसरा इम्पल्सिव फोर्स ही बैलेंस करेगा, इम्पल्सिव फोर्स को नॉन इम्पल्सिव फोर्स कभी बैलेंस नहीं कर सकता है। इसका क्या मीनिंग है अभी थोड़ी देर में एक प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़ू? नहीं सर, एक मिनट सर। हो गया? हाँ सर, हो गया। अब ये जितनी बातें लिखा है आप लोगों ने, ये ऐसे केवल लिख लेने से काम नहीं चलेगा, प्रॉब्लम के थ्रू समझना पड़ेगा। जैसे ये एक एग्जांपल करो, इस एग्जांपल से क्या समझेंगे क्या नहीं करने के बाद समझ आएगा। Find out impulse exerted on the floor. तो फ्लोर के साथ थोड़ी देर ही कॉन्टेक्ट में रहा ना, आया स्ट्राइक किया ऊपर गया, तो ये जो एग्जाम्पल है ये इम्पल्सिव नॉर्मल का एग्जाम्पल है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्सिव नॉर्मल। आई बात समझ में? कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर रखा हुआ है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होता है, ये तो खूब करते आ रहे हो लॉज ऑफ मोशन में। यस सर, है ना। लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आया ग्राउंड से स्ट्राइक किया और चला गया, तो ग्राउंड के साथ इसका कांटेक्ट थोड़ी देर के लिए रहा, तो ग्राउंड इस पर थोड़ी देर के लिए ही फोर्स लगाएगा,
तो ग्राउंड इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन अब लगाएगा ये इंपल्सिव नेचर का होगा। यस सर। ठीक है, कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। क्वेश्चन लीजिए। वन न्यूटन। कितना आंसर बोला भाई? वन न्यूटन। सिक्स न्यूटन। अटेम्प्ट कर लिया सबने? चलो देखो, मान लो यहां पर जब रिबाउंड किया तो इसकी वेलोसिटी वी है, ठीक है, ये 53 तो ये 53, तो ये कंपोनेंट होगा 5 cos 53 और ये कंपोनेंट होगा 5 sin 53। हाँ या ना? हाँ सर। 5 cos 53 कितना होगा? 3 मीटर पर सेकेंड। 5 sin 53 कितना होगा? 4 मीटर पर। तो इनिशियल मोमेंटम मैं लिख सकता हूं, मास 1 kg है, तो 3i cap - 4j cap। ये 37 है तो ये भी 37 होगा, तो इसको लिख सकते हैं v cos 37 degree और इसको v sin 37 degree। तो cos 37 4/5 और sin 37 3/5 ऐसा होगा।
तो फाइनल मोमेंटम हम लिख सकते हैं 4v/5 i कैप प्लस 3v/5 j कैप, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, अब इस पूरे प्रोसेस में बॉल पर फोर्स क्या लग रहा है? तो बॉल जब टकराया तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा, यही हुआ। हाँ सर, चाहे जिस किसी भी टाइम तक के लिए लगा होगा, और तो कोई फोर्स लगा नहीं इस पर, है ना? हाँ सर। हाँ, तो वाई डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है और एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो अलोंग एक्स मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। यस, पक्का? तो फोर्स अलोंग एक्स जीरो है, इसका मतलब है कि 3 = 4v/5, है ना? तो v की वैल्यू मिल जाएगी 15/4 मीटर पर सेकेंड। x में मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। yes. तो यहाँ 3 है और यहाँ 4v/5 है, दोनों इक्वल होगा। yes, sir. और जो y में चेंज इन मोमेंटम होगा, दिस विल बी इक्वल टू इम्पल्स प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, यही पूछा है आपसे। यस सर। तो इसका मतलब है फाइनल मोमेंटम अलोंग y माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग y, यही होगा ना? तो ये हो जाएगा 3v/5 प्लस 4 होगा, बोलो। यस सर। तो v की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया 3/5 इंटू 15/4 प्लस 4, दिस मच न्यूटन सेकेंड। देख लो कितना होता है, 25/4 which is 6.25 meter. So 6.25 newton second answer. Chamka sabko? Yes. Yes, sir. Copy kar lo. आगे बढ़ू सर? 2 मिनट। 2 मिनट सर।
डन सर। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। तो ये एग्जांपल था इंपल्सिव नॉर्मल का। अब एक एग्जांपल देता हूं, यह है इंपल्सिव टेंशन का। क्या इंपल्सिव टेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, तो इसमें एक नहीं दो चार क्वेश्चन करेंगे जैसे जैसे आप, कोई थ्योरी है नहीं इसका, तो प्रॉब्लम के थ्रू ही सीख पाएंगे। तो एक बार इसको कोशिश करो, ये करोगे तो जितना सही से रिस्पॉन्स दोगे लेवल ऑफ डिफिकल्टी इसमें इंक्रीज करता जाऊंगा। लॉज ऑफ मोशन में खूब स्प्रिंग पुलिस सिस्टम स्प्रिंग पुलिस सीखे हो तुम लोग, इसको कोशिश करो।
क्वेश्चन सबने पढ़ लिया? यस सर। तो देखो ये जो पेन स्मॉल m है और इधर का ब्लॉक स्मॉल m है, ये दोनों इक्वल है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। यस सर। हां सर। अब ऊपर से ये आकर इस पैन में चिपक जाएगा तो इधर का मास ज्यादा ये मूव करने लगेगा, ऐसा कुछ है ना? यस सर। इसमें आपको सिस्टम का स्पीड या कुछ ऐसा पूछा है, तो थोड़ा सा मतलब फिजिक्स के बियॉन्ड थोड़ा सोचो। जैसे ही ये स्मॉल एम पैन से टकराएगा, इसको ऊपर की ओर झटका लगेगा। यस सर। तो ये जो झटका लगेगा यही इंपल्स है, समझ रहे हो? सर वो पैन को भी तो, हाँ पैन को नीचे की ओर लगेगा, ब्लॉक एम को ऊपर की ओर लगेगा। हाँ। तो ब्लॉक एम को जो ऊपर की ओर झटका लगेगा वही इंपल्स है, और ये झटका कौन देगा? टेंशन। स्प्रिंग। टेंशन। स्प्रिंग टेंशन देगा। तो इस ब्लॉक पर इंपल्स ड्यू टू टेंशन ऊपर की ओर लगेगा, है ना? हाँ सर। अच्छा, अब ये जो स्मॉल m है वी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, इस स्मॉल m पर, इस स्मॉल m पर कौन इंपल्स लगाएगा जो ऊपर से नीचे आ रहा है? बोलो। हाँ सर। कौन लगाएगा फोर्स जो ऊपर से नीचे आ रहा है उस पर? mg। उस पर इंपल्स तो पैन लगाएगा ना? वापस बोलेंगे? मैंने कहा द स्मॉल m विच इज कमिंग डाउन इन वर्टिकल डायरेक्शन विल स्ट्राइक टू पैन। इट मीन्स दैट विल प्रोवाइड सम इंपल्स ऑन दैट स्मॉल एम मास, एंड दैट स्मॉल एम मास विल प्रोवाइड सम इंपल्स टू द पैन। हाँ सर। है ना? क्वेश्चन तो एक लाइन का है, क्वेश्चन तो एक लाइन में सॉल्व कर दूंगा, लेकिन यही अगर अच्छा क्वेश्चन इसके बाद वाला दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी इसके लिए। तो ये हुआ स्मॉल एम पर जो इम्पल्स लग रहा है उसकी बात कर रहा हूं। इस स्मॉल एम पर आइए, इस स्मॉल एम पर ये पैन का इम्पल्स ऊपर लगेगा, है ना? और इस पैन पर, इसको पैन बोल दे, इसको स्मॉल m बोल देता हूं ताकि समझ में आए, और इसको पैन लिख देता हूं। इस पैन पर उतना ही इंपल्स नीचे की ओर लगेगा, और टेंशन वाला स्प्रिंग ऊपर की, इंपल्स ऊपर की ओर लगेगा। रुको थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए एबीसीडी कुछ नाम देता हूं तो समझ आएगा। रुको, एबीसीडी कुछ नाम देता हूं। इस स्मॉल एम का नाम है ए, पैन का नाम है बी, और इस स्मॉल एम का नाम है सी। अब एक एक करके सबका फ्री बॉडी डायग्राम देखो। ए, ए पर बी ऊपर की ओर इंपल्स लगाएगा, इसका नाम जे ए बी लिख देता हूं, ठीक है? बी पर उतना ही इंपल्स नीचे की ओर लगाएगा, तो इसका नाम जे ए बी लिख देता हूं। और स्ट्रिंग का टेंशन ऊपर की ओर इंपल्स लगाएगा, तो जे ऑफ टी लिख देता हूं। ये हो गया बी का। मैं केवल इंपल्सिव फोर्सेस लिख रहा हूं, यहां तक समझ आया? हाँ सर। और सी पर स्ट्रिंग का टेंशन ऊपर की ओर इंपल्स लगाएगा। तो ये हो गया ए का फ्री बॉडी डायग्राम, ये हो गया बी का फ्री बॉडी डायग्राम, ये हो गया सी का फ्री बॉडी डायग्राम। कोई दिक्कत?
नो सर। अब ये इसके साथ चिपकने के बाद फाइनली सिस्टम मान लो वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, नहीं ये वी लिखा है इसको वी डैश कह देते हैं, ये वी डैश से ऊपर जा रहा है और ये वी डैश से नीचे आएगा, यही होगा ना, यही वी डैश मुझे ढूंढना है, यही वी डैश मुझे ढूंढना है, हाँ या ना? हाँ सर। अब जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे वैसे लिखते हैं ए का, तो ए का नीचे की ओर पहले मोमेंटम था एम वी, था ना? हाँ सर। अब मोमेंटम हो गया एम वी डैश, तो ये जे ए बी के बराबर होगा, सोच के बताओ। ए का मोमेंटम नीचे की ओर कम क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर की ओर इंपल्स लग रहा था। हाँ, तो नीचे की ओर जितना डिक्रीज हुआ दैट इज बिकॉज ऑफ ऊपर की ओर इंपल्स कितना लगा, तो नीचे की ओर इनिशियल था एम वी और फाइनल है एम वी डैश, तो या तो मैं एम वी डैश माइनस एम वी लिखू तो सब कुछ नीचे की ओर, तो माइनस जे ए भी लिखना पड़ेगा। सही, फिर से बोली ना एक और बार। नीचे की ओर फाइनल मोमेंटम एम वी डैश, नीचे की ओर इनिशियल मोमेंटम एम वी, तो नीचे की ओर इम्पल्स इज एम वी डैश माइनस एम वी, फाइनल माइनस इनिशियल। यस सर। तो ऊपर की ओर इम्पल्स एम वी माइनस एम वी डैश, जे ए बी का मैग्नीट्यूड समझ आया ए के फ्री बॉडी डायग्राम से? बोलो। यस सर। बी का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, अब बी रेस्ट पर था और फाइनली नीचे जाने लगा वी डैश से, तो ऐसा लिखेंगे जे ए बी माइनस जे टी इज इक्वल टू स्मॉल एम वी डैश। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। और सी का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? JT is equal to MV dash. हाँ सर। जैसे लॉज ऑफ मोशन में इक्वेशन लिखते थे भाई, फिर ध्यान से सुनो, बहुत छोटा बट इम्पोर्टेंट है, ये क्या है दो दो साल पढ़ने के बाद भी लोगों को समझ नहीं आता है। मैंने ऊपर एक लाइन लिखी थी कि नॉन इम्पल्सिव फोर्स इम्पल्सिव फोर्स को हमेशा इम्पल्सिव फोर्स ही बैलेंस करता है, नॉन इम्पल्सिव फोर्स नहीं करता है। तो देखो यहाँ पर कहीं मैंने एमजी नहीं लिया फ्री बॉडी डायग्राम में, समझे इस बात को? अब तीनों इक्वेशन को ऐड कर दी, जो भी निकालना है मुझे क्या निकालना है, एम वी डैश, वी डैश चाहिए ना, तो फर्स्ट सेकेंड को एड कर देंगे और थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कुछ कर देंगे जो भी होगा, कर लोगे वो सब, मैं क्या बताऊं। इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो जे ए बी इतना मिल जाएगा, टू एम वी डैश मिल जाएगा। हाँ सर। तो जे ए बी फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो
2mv' is equal to mv minus mv'. तो v dash v by 3 हो गया, बाकी देखते हो. आया समझ में? Yes sir. कॉपी कर लीजिए. इंपल्सिव टेंशन का ही एक और क्वेश्चन करेंगे. हो गया? Yes sir. आगे बढ़ू? Yes sir. हाँ सर. एक और क्वेश्चन करो. इंपल्सिव टेंशन टाइम ये सब लोग खुद से करना. इस क्वेश्चन में एबीसीडी पार्ट ऐसा है कि मतलब एक एक छोटा छोटा चीज सब निकालना. जैसे इसमें केवल वी डैश निकालना था ना, जे ए बी जे सी जो चाहिए सब निकालना. कौन सा नंबर होगा? फोर्थ होगा शायद ना. फोर्थ. ठीक है, कोशिश कीजिए इसको.
हुआ सबका? यस सर। सबने अटेम्प्ट कर लिया? फटाफट देखें। देखो अच्छा, इसमें एबीसी लिखा हुआ है। चलो ठीक है, तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। ए पर टेंशन का इंपल्स इधर लगेगा, लगेगा बी पर, बी पर ए और सॉरी बी और सी में जो इंटरेक्शन हुआ है उसका इंपल्स इधर लगेगा, हाँ सर, और टेंशन का इंपल्स इधर लगेगा, हाँ, सी का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। सी पर उतना ही बी और सी के बीच का इंटरेक्शन का इंपल्स जे बी सी इधर लगेगा, हाँ। और पूरा सिस्टम मान लो वी से जाने लगा, तो ए का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे? जे टी इक्वल्स टू एम वी, स्मॉल एम इनटू वी, हाँ सर। बी का क्या लिखेंगे? जे टी बी सी माइनस जे टी इक्वल टू एम वी इज इक्वल टू एम वी, हाँ सर। सी का क्या लिखेंगे ये बता दो? एम यू माइनस एम वी इक्वल टू, हाँ ठीक है, बोलो क्या बोल रहे थे? एम यू माइनस एम वी, जे बी सी इज एम यू माइनस एम, माइनस एम वी, ऐसा? हाँ ठीक है, तो यहीं से मैं ऐसा लिख देता हूँ, माइनस जे बी सी MV माइनस MU, ऐसा इसलिए लिख दिया कि तीनों को ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा और कोई रीजन नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पर। अब इन तीनों को सॉल्व कर दो, जो जो पूछे सब मिल जाएगा। एडिंग वन टू एंड थ्री, तो जेटी जेटी जेबीसी जेबीसी जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? V का वैल्यू 2/3 आता, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ना V इज इक्वल टू यू बाई थ्री, तो वेलोसिटीज ऑफ ए बी सी आफ्टर कोलिजन ये हो गया, है ना? इंपल्स ऑन ए ड्यू टू टेंशन, तो जे टी चाहिए मुझे, तो जे टी कितना हो जाएगा? एम यू बाई थ्री, ये दूसरा आंसर। इम्पल्स ऑन सी ड्यू टू नॉर्मल फोर्स ऑफ कोलिजन, मतलब जे बी सी चाहिए मुझे, थर्ड और फोर्थ का आंसर सेम होगा, तो जे बी सी कितना हो जाएगा? एम यू माइनस एम यू बाई थ्री, MU by 3, 2MU by 3, that is 2MU by 3, यही आंसर आया था सबको? हाँ सर। वेरी गुड, कॉपी कर लिए जिसको करना है।
हो गया। हो गया हाँ सर। अच्छा एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 5। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऐसे ही इसी पे बेस्ड।
आया कुछ? बोलो, आया कुछ? सी कोई तो बोलो, क्या आंसर आया? बी आ रहा है। बी, वेरी गुड, बी करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। किसने बताया? सर मैं डी बोल रहा था। डी नहीं, नहीं, बी आंसर है। आंसर बी है। बी बी आया किसी को?
नहीं सर। बोलो। नहीं आया। ठीक है चलो देखो ध्यान से, थर्ड वाला तो सॉल्व कर ही चुके हो। यस सर। है ना? बोलो। हाँ सर। तो थर्ड में आंसर क्या आएगा? U by 3। फर्स्ट और सेकंड में देखो, पहले कौन सा देखें? चलो सेकंड देखते हैं। बहुत छोटा है बट हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इस स्टोरी को पढ़ा था। इसमें इधर से गया और हिट किया है ना? नहीं सर, ऊपर से आया। ऊपर से आया, ऊपर से आ रहा है बी पे। ऊपर से ले लो, बी में ऊपर से आया और हिट किया। हाँ। अभी मैंने बताया था कि इंपल्सिव फोर्स को इंपल्सिव फोर्स ही बैलेंस करता है, बताया था ना? हाँ सर। इंपल्सिव फोर्स को कभी नॉन इंपल्सिव फोर्स बैलेंस नहीं करेगा, लिखे थे ऊपर। हाँ सर। और एग्जांपल में ये भी लिखे थे कि स्प्रिंग नॉन इंपल्सिव फोर्स है। हाँ। ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों है ना, नॉन इंपल्सिव है ऐसा लिखा था ना? है ना? हाँ सर। हाँ, नॉन इंपल्सिव। तो अभी क्या होगा? इनिशियली ए और बी रेस्ट में है। ए के साथ जो स्प्रिंग है उसमें कुछ kx इक्वल टू mg का एक्सटेंशन होगा ऐसा कुछ। तो सी का इंपल्स जो बी को लगेगा उसका इफेक्ट इमिडिएटली स्प्रिंग को नहीं होगा। तो जस्ट आफ्टर इंपैक्ट यू जीरो रहेगा, केवल बी नीचे आएगा। समझे मेरी बात? नहीं सर। है ना? तो इस केस में ऐसा हो जाएगा कि m इंटू यू इज इक्वल टू 2m इंटू वी। तो v की वैल्यू इसमें u बाई 2 हो जाएगी। एक बार वापस बताएंगे? हाँ सर, एक बार वापस बता। देखो, इसमें टेंशन का जो इंपल्स बी पर लगेगा, बी पर टेंशन का इंपल्स लगेगा बट ए पर लगेगा स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग नॉन इंपल्सिव फोर्स से लिखाया था ऊपर। यस सर। तो ए को कोई इंपल्स नहीं मिलेगा, तो ए को कोई इंपल्स नहीं मिलेगा तो ए ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ बी नीचे आएगा, बी और साथ में सी। समझे मेरी बात? थोड़ी देर के बाद ए ऊपर जाएगा, तो ए जाएगा स्प्रिंग फोर्स की वजह से, स्प्रिंग के इंपल्स की वजह से नहीं जाएगा। तो बी और सी का जब इक्वेशन लिखेंगे तो एम यू इज इक्वल टू 2mv हो जाएगा। नहीं समझा ये बात? इनिशियल समझा। सुनो, अब ये जो पीछे के जितने क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने, ये मुझे आपको सिखाना था इंपल्स, इसलिए ऐसा करें कि सब क्वेश्चन ओरली है। जैसे इसी में देखो, एम वी मोमेंटम से तीनों को चलना पड़ा, तो एम वी इज 3mv डैश, वी डैश इज वी बाई 3। आंसर एक लाइन में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, mu इज इक्वल टू mmm 3mv, इसमें भी v बाई 3 आंसर आ गया।
क्यू बाई थ्री है ना। तो बाकी कुछ मुझे समझाना था कि कैसे पिछली लिया था कि अदरवाइज है ओरली। इसमें भी वैसे ही देखो सी आया ऊपर से थर्ड में तो एम यू इज इक्वल टू थ्री एम वी तो वी इज यू बाई थ्री समझे। सेकेंड में वैसे ही वी इज यू बाई टू आया ना। हाँ सर क्योंकि ए तो हिल नहीं रहा सर। हाँ सर पर v is equal to, तो u by 2 है ये तीनों केसेस के लिए हो जाएगा ना। बट नहीं भाई थर्ड के लिए तो m u is equal to 3 mv हो जाएगा तीन मार्क्स है तो u by 3 okay. हो जाएगा। ओके 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 हाँ समझा समझा। फर्स्ट केस में देखो अब फर्स्ट केस में देखोगे तो स्ट्रिंग स्लैक होगा। हाँ सर तो इसमें भी स्ट्रिंग का इंपल्स जीरो होगा तो इसमें भी v की वेलोसिटी u by 2 ही होगी बट ऊपर। तो इसमें u by 2 ऊपर इसमें u by 2 नीचे और इसमें u by 3 नीचे तो इन तीनों का रेशियो हो जाएगा 3:3:2। सर 3:2:2 हो गया। ओ भाई साहब मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। हाँ सर क्या मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो रे। हाँ तो बी आएगा आंसर कि नहीं। हाँ सर आएगा ना पक्का। फर्स्ट केस में क्या हुआ था क्या फर्स्ट केस में तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा तो स्ट्रिंग का कोई इंपल्स लगेगा ही नहीं तो सी का मोमेंटम एमयू ऊपर था तो B प्लस सी का मोमेंटम भी उतना ही ऊपर होगा तो U by 2 हो जाएगा मास डबल हो गया तो। हाँ सर समझे पक्का। यस सर एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। एक ये क्वेश्चन लिखो तो इसको कोशिश कीजिए।
आया कोच सर? 2 MU है। देखो एक कॉमन सेंस समझो, स्ट्रिंग का एक्चुअल लेंथ 2L है ना? यस सर। हाँ, जब तक स्ट्रिंग नेचुरल लेंथ पर नहीं पहुंचता है तब तक तो बी सीधा जाता जाएगा। यस सर। हाँ सर। तो बी यहां से चलना शुरू किया और तब तक सीधा जाता जाएगा जब तक कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस 2L नहीं हो जाता है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस जब 2L हो जाएगा उसके बाद ही स्ट्रिंग टॉट होगा। हाँ सर। और उसके बाद ही ए पर इंपल्स लगेगा, उससे पहले तो कुछ नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। ठीक, तो इस मोमेंट पर बी की वेलोसिटी यू इधर थी, इस पर इंपल्स जे इधर लगा जे ड्यू टू टेंशन, और इस पर भी इंपल्स जे इधर लगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो ए की वेलोसिटी आपसे क्या पूछा है? फाइंड द इंपल्सिव टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन स्ट्रिंग टॉट एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इमीडिएटली आफ्टरवर्ड, ऐसा कुछ। तो देखो ब्लू कलर से तो जे जे कर दिया, इसको इरेज कर देता हूँ, इनिशियली यू था। कुछ भी होगा ए तो इसी डायरेक्शन में आएगा। हाँ सर। वी ए का डायरेक्शन तो यही होगा, ये पक्का है। तो मैं लिख दिया जे, दोनों का मास सेम है क्या क्वेश्चन में? देखो तो मास मास एम दिया। हाँ मास एम अटैच टू बी है सर, ए बी का नहीं दिया, पार्टिकल का मास दिया। ओ फिक्स्ड है ए पर, बिकॉज़ इजी क्वेश्चन दे दिया मैं, कोई नहीं। ए का मास नहीं है ए पर, ये स्ट्रिंग फिक्स्ड है ऐसा बोला है। हाँ सर फिक्स्ड है। हाँ तो फिर इतनी मेहनत नहीं है, तो और चिल्ली क्वेश्चन हो गया। अच्छा, एक अच्छा वाला क्वेश्चन वैसा भी, इसमें ए और बी दोनों मूव करता है, तो वो वाला मैं सोच लिया था। मतलब ये भी ठीक क्वेश्चन है, हो जाएगा, बट मैं दिया था वो सोच के डायग्राम, आप पढ़ता कौन है इतना, वो भी मिल जाएगा असाइनमेंट में मेरे। चलो ठीक है, तो ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है। VA नाम की कोई चीज होगी नहीं, ठीक है। इस पर ये इधर लगेगा, तो और इसका मास है एम, तो इसके पास इनिशियल मोमेंटम इधर था, ये इनिशियल मोमेंटम था कितना एम यू के बराबर था ना? बोलिए। हाँ सर। अब इस पर इंपल्स जे इधर लगा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो जे का कंपोनेंट जे कॉस थीटा इधर होगा और जे का कंपोनेंट जे साइन थीटा इधर होगा, होगा ऐसा?
होगा? हाँ सर। यस सर। तो आपसे फाइनल स्पीड पूछा, तो देखो इस j cos थीटा की वजह से इसको वेलोसिटी कुछ y डायरेक्शन में मिलेगी। मैं मान लेता हूं b की वेलोसिटी dy कुछ इधर है और b की वेलोसिटी vx कुछ इधर है फाइनल, तो vx vy मिल जाएगा तो हमारा काम चलेगा। हाँ तो j cos theta is equal to m into vy, कोई दिक्कत नहीं? पक्का? हाँ। j sin theta, ध्यान से देखना इसमें दिक्कत हो सकती है, is equal to m into, मैंने vx लेफ्ट हैंड में लिया है तो vx प्लस u, सेकेंड इक्वेशन सोच के बताइए। सर वो vx और vy किसके वेलोसिटी हैं? b के। हाँ b मूव कर रहा है और कोई थोड़ा ना मूव कर रहा है। हाँ सेकेंड इक्वेशन समझने में कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं सर? उधर माइनस नहीं आएगा? क्या माइनस आएगा सर? सेकेंड इक्वेशन नहीं, मैंने लेफ्ट हैंड को vx बोला है तो इधर की ओर मोमेंटम हो गया m into vx और इनिशियल मोमेंटम राइट साइड था mu, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? mvx प्लस mu हुआ ना? हाँ सर समझा। वो चेंज कौन लाया? तो j sin थीटा लाया। हाँ सर अभी समझा। ठीक है, थीटा 60 डिग्री होगा। क्या क्या अननोन है? j अननोन है, vx अननोन है, vy अननोन है, तीन अननोन है और दो ही इक्वेशन है। एक और इक्वेशन देखिए क्या होगा। स्ट्रिंग का लेंथ तो चेंज नहीं हो सकता। यस सर। तो स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं होगा, इसका मतलब है अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी जीरो होगा। समझे मेरी बात? नहीं सर। ओके दे। सर जे भी ढूंढ सकते हैं ना? क्या? जे भी ढूंढ सकते हैं ना? क्या बोल रहे हो? नहीं सर कुछ। जे ढूंढ सकते हैं ऐसा बोल रहा है? हाँ ढूंढ सकते हैं, तो तीन अननोन है ना, vx vy और j, तीन अननोन है। और दो इक्वेशन है मेरे पास, एक और इक्वेशन चाहिए। तो स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए। यस सर। मतलब वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग जीरो होगा। बोलो बोल दे भाई। हाँ सर होगा। तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये थीटा, तो अलोंग द स्ट्रिंग मेरा देखो क्या हो गया, vy cos थीटा प्लस vx sin थीटा, और ये जीरो होना चाहिए। vx राइट के साइड पे होगा सर। क्या vx राइट जाएगा सर? हाँ नेगेटिव आएगा, अलग बात है राइट जाएगा, बट ये इक्वेशन समझ आया? सर एक्सप्लेन कीजिए ना एक बार। ओके
वीवाई का कंपोनेंट इधर वीवाई कॉस थीटा, वीएक्स का कंपोनेंट इधर वीएक्स साइन थीटा, तो इन दोनों का सम अगर जीरो होगा तभी स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट रहेगा ना। क्यों नहीं समझे सर? क्यों कांस्टेंट रहेगा अगर उनका सम जीरो होगा तो? ओ भाई साहब, बी को वेलोसिटी दोगे तो बी क्या सर्कल में ही घूमेगा ना, जब स्ट्रिंग सीधा लेंथ में आ जाएगा तो सर्कल में ही घूमेगा सर, यानी कि बी के पास वेलोसिटी स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर ही रहेगा इस डायरेक्शन में। हाँ सर अब समझा, मतलब इस डायरेक्शन में जीरो होगा। जीरो होगा हाँ सर। तो एक तरीका ये था कि मैं ये जे कॉस साइन कुछ नहीं लेता, मैं फाइनली कह देता कि वी का वेलोसिटी इधर है। यस सर। है ना, लेकिन हमें सीखना है अभी, इसीलिए प्रॉपर स्टेप करते हैं, नहीं तो सीधा कह देते यहाँ से फेंकोगे तो यहाँ तक तो सीधा जाएगा, इसके बाद पार्टिकल सर्कल में घूमने लगेगा, है ना? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा तो cos 60 वन बाई टू तो वैल्यू पुट कर दो, हो गया। तो vy by 2 प्लस रूट 3 vx by 2 इज जीरो। हाँ सर। तो vy इज रूट 3 vx विथ माइनस साइन। हाँ ये इक्वेशन मिल गया। अब इन तीनों को पुट कर दो तो जो चाहिए मिल जाएगा, है ना? हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन में जो भी पूछा है सब मिल जाएगा। यस सर। Vx मिल जाएगा, Vy मिल जाएगा और J मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए और जिसका जिसका हो जाए वो जाते जाइए। आज के लिए इतना ही। चलिए मैं रिकॉर्डिंग को थैंक यू सर, बाय सर। या बाय। थैंक यू सर, बाय सर।